जी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें आपने 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स रुकना है इसमें, ठीक है। एक सेट जो होगा इसका 10 सेकेंड का होगा या 15 सेकेंड्स का होगा, ये देखें आप, ठीक है। पाँव पे पीछे आपने रुकना है और आगे जो है एल्बो पे नीचे बिल्कुल टच नहीं होना। ये आपने 10 से 15 सेकेंड इसका टाइम रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें थर्ड एक्सरसाइज बताएंगे जो आप मैट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक हो गया। ये सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में ये वर्कआउट देखेंगे आप, ठीक है। ये चेक करें, हाँ जी, ये एक्सरसाइज है। बैक की भी एक्सरसाइज और टोटली बॉडी की एक्सरसाइज है। जी अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट रिजवान खिलाफ। आज जो हमारा वर्कआउट है वो मैट के ऊपर है, ठीक है। आप मैट पे एक्सरसाइज लगाएंगे, बेली फैट के ऊपर है। बेली फैट के लिए आप मैट पे एक्सरसाइज लगा सकते हैं। और सेकंड इसका ये है कि आप इसको रूम में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में भी, कहीं भी आप ये वर्कआउट लगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी कुछ जगह चाहिए होती है, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, और एक ही जगह पे ये एक्सरसाइज हो सकती है। ये नहीं कि मुख्तलिफ बदल बदल के मशीनों पे, ऐसे नहीं, ठीक है। मैट के ऊपर ही ये वर्कआउट हो सकता है। आप घर में भी कर सकते हैं। घर में बेडशीट नीचे बिछा के आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्कआउट थर्ड वर्कआउट है। इसको आपने एल्बो के बल पे आपने रुकना है, वो रुक के फिर आपने ऐसे लगाना है इसको। एल्बो और पाँव पे होगा ये, ठीक है। बाकी टोटली बॉडी आपकी नीचे से उठी हुई होगी। ये आपने 10 से 15 सेकंड आपने इसका वर्कआउट रखना है, ताकि आपका ये बिल्कुल ठीक बेली फैट, ये साइड क्रंच के लिए होता है, ठीक है। हाँ, ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये आप घर लगा सकते हैं, हाथ जो है अपने सर के नीचे भी रख सकते हैं। और हमारे पास तो अवेलेबल था बेंच, इसलिए हमने उसके ऊपर लगाया। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, मैट के ऊपर लगा सकते हैं, बेडशीट के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप कमरे में, ऑफिस में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।